दोस्तों आज 1 अगस्त 2019 गुरुवार का दिन हो चुका है और आज से नए महीने की शुरुआत हो चुकी है। और आपको बता दें, आज 1 तारीख से भारत सरकार की तरफ से पूरे देश में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, जिससे सीधे आम नागरिक की जिंदगी पर असर पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम आपको आज की ताज़ा खबरें, आज की ब्रेकिंग न्यूज और आज के मुख्य समाचार बताने वाले हैं। वीडियो को बिना भगाए सभी खबरों को ध्यान से देख लें। आइए सीधे चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। आज की पहली खबर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि कर्मचारियों से ओवरटाइम नहीं करा पाएंगी कंपनियां, देना होगा 2 गुना मेहनताना। जी हाँ, जो भी लोग नौकरी करते हैं ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और फायदे की है। भारत में ज्यादातर कंपनियां ऑफिस टाइम के बाद मुफ्त में ओवरटाइम के कल्चर को बढ़ावा दे रही हैं। यानी बहुत सारी जगहों पर ओवरटाइम का पैसा सैलरी के पैसे में ही दे दिया जाता है, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। आपको बता दें, मोदी सरकार एक प्रस्ताव ला रही है जो अगर लागू हो जाएगा तो ओवरटाइम में काम करने वालों को 2 गुना मेहनताना मिलेगा। साथ ही कंपनियां बिना लिखित मंजूरी के कर्मचारियों से ओवरटाइम नहीं करवा पाएंगी। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिना सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर के दाम घटे। जी हाँ, गैस सिलेंडर को लेकर ये एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, अभी बीते दिन बुधवार को फिर से गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की गई है। आपको बता दें, बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर पर 62.50 रुपए की कटौती की गई है। अब आपको बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर मात्र 574.50 रुपए का पड़ेगा। अभी पिछले महीने भी बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर पर 100.50 रुपए की कटौती की गई थी। इस तरीके से सिर्फ 1 महीने के अंदर करीबन गैस सिलेंडर पर 163 रुपए की कटौती की गई है। आपको बता दें कि आपको पहले गैस सिलेंडर लेते वक्त 637 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब आपको मात्र 574.50 रुपए देने होंगे। तो घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर ये एक बड़ा अपडेट आया है। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो त्योहारों के मौसम में 15% तक महंगे हो सकते हैं तेल, चना और ड्राई फ्रूट, यानी कि काजू, बादाम, पिस्ता वगैरह। जी हाँ, आने वाला त्योहारों का मौसम आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। मांग तेजी के चलते तेल और चना और सूखे मेवे की कीमतों में 5 से 15% का इजाफा हो सकता है। जल्दी रक्षाबंधन और दिवाली वगैरह आने वाली है, तो इसमें महंगाई का असर दिख सकता है। और दोस्तों बात करेंगे आज की अगली खबर की, तो बिजली हो गई सस्ती, 1 अगस्त से नई दरें लागू। जी हाँ, आज 1 अगस्त 2019 से बिजली के दर भी घटाए गए हैं। आपको बता दें, जिनके भी घर में 2 किलोवाट का मीटर लगा हुआ है उनको पहले 125 रुपए का फिक्स चार्ज देना होता था, लेकिन अब ये चार्ज घटाकर 20 रुपए कर दिया गया है। वहीं जिनके घर में 2 किलो से 5 किलोवाट का मीटर लगा है उनको अब मात्र 50 रुपए फिक्स चार्ज देने होंगे। पहले ये चार्ज 140 रुपए था। अब जो भी आपका बिजली का बिल आएगा उसमें 105 रुपए से लेकर 750 रुपए तक की कटौती आपको देखने को मिलेगी। आपको बता दें, ये बिजली की दरें दिल्ली में लागू की गई हैं। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो व्हाट्सएप पर आया है ये मैसेज, तो तुरंत कर दें डिलीट, बैंक अकाउंट में लग सकती है सेंध। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं अभी बहुत सारे लोग व्हाट्सएप चलाते हैं और व्हाट्सएप पर आपके पास और सभी के पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये मैसेज आया है कि व्हाट्सएप के 10 साल पूरा होने की खुशी में सीधे व्हाट्सएप की तरफ से 1000 GB डाटा दिया जा रहा है और आपको साथ में एक लिंक दिया जा रहा है, तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। आपको बता दें, ये मैसेज पूरी तरीके से फ्रॉड है और इस लिंक पे जाने से आपके फोन में इस तरह के ऐप इंस्टॉल हो सकते हैं या ऐसा वायरस आ सकता है जिससे आपकी पर्सनल चीजों पर और आपके बैंक खातों पर भी असर पड़ सकता है। और दोस्तों बात करेंगे आज की अगले खबर की, तो श्वामी ने भारत में लॉन्च किया MI फ्लेक्स फोन ग्रिप, हाथ से नहीं गिरेगा अब फोन। जी हाँ, चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी श्वामी ने भारत में अपना एक MI फ्लेक्स फोन ग्रिप लॉन्च किया है, जिसकी कीमत मात्र 149 रुपए है। श्वामी का ये फ्लेक्स ग्रिप फोन को हाथ से गिरने नहीं देगा, यानी ये फोन के पीछे चिपकेगा और आप उस ग्रिप में अपनी उंगली फंसाकर अपने फोन को चला पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप MI.com की वेबसाइट पे जा सकते हैं और इसे खरीद भी सकते हैं। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो RBI ने जारी कर दिया 20 रुपए का नया नोट। जी हाँ, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 रुपए के नए नोट का शुभारंभ कर दिया है और इसे नए रंग रूप में बदल दिया है। नया नोट जल्दी आपके हाथ में होगा। इसकी पहली खेप कानपुर स्थित रिजर्व बैंक में पहुंचा दी गई है। आपको बता दें, इसके आने से जो पुराने 20 रुपए के नोट है वो भी चलते रहेंगे, तो जल्दी मार्केट में आपको 20 रुपए का भी एक नया नोट देखने को मिलने वाला है। इसमें भी उसी तरह की सिक्योरिटीज होंगी जो के बाकी नए नोटों में है। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में आ सकता है उछाल, क्रूड की उथल पुथल का दिखेगा असर। जी हाँ, एक ताजा रिपोर्ट आई है पेट्रोल डीजल को लेकर। आपको बता दें, लगातार 6-7 दिनों से पेट्रोल के दामों में कटौती की जा रही है, लेकिन एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ सकते हैं। आपको बता दें, अभी बीते रोज बुधवार को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 72.86 रुपए का मिलेगा, वहीं आपको अभी 1 लीटर डीजल 66 रुपए का मिलेगा। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, आप उस पर क्लिक करके अपने किसी भी शहर के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव देख सकते हैं। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो UP और बिहार होकर जाने वाली ये ट्रेनें प्रभावित, अपनी ट्रेन की स्थिति जांच लें। जी हां, इंडियन रेलवे की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, इंडियन रेलवे इंटरलॉकिंग का काम चला रहा है, इसी की वजह से बहुत सारी ऐसी गाड़ियों को रद्द किया गया है और बहुत सारी गाड़ियों के मार्ग बदले गए हैं जो कि यूपी बिहार के हैं।
अब कौन कौन सी गाड़ियां प्रभावित हुई हैं अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, आप उस पर क्लिक करके उन सभी गाड़ियों के नाम देख सकेंगे। और दोस्तों बात करेंगे आज की अगले खबर की, तो कम पैदावार के बाद भी नहीं बढ़ेंगी दाल की कीमतें, सरकार ने कर रखी है तैयारी। जी हां, दलहन की बुआई इस साल घट सकती है और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इस साल कुल बुआई के रकबे में 10% की कमी आ सकती है, यानी जो इस बार दालों की पैदावार है वो कम हो सकती है। लेकिन आपको बता दें, दालों की पैदावार कम होने की वजह से भी दाल के दामों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, क्योंकि इसके लिए सरकार ने पहले ही से तैयारी कर ली है। और दोस्तों बात करेंगे आज की अगली खबर की, तो अपने फोन से मात्र 2 मिनट में कीजिए ये 2 काम और मिलेगा एक शानदार स्मार्टफोन जीतने का मौका। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक शानदार स्मार्टफोन जीतना चाहते हैं तो आपको बता दें अभी एक गिव अवे चल रहा है, यानी एक कॉन्टेस्ट चल रहा है। आपको हम इस गिव अवे का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास 2 टास्क होंगे। पहले टास्क में आपको एक चैनल सब्सक्राइब करना होगा और दूसरा टास्क पूरा करने के लिए आपको एक वेबसाइट अपने फोन या अपने कंप्यूटर के गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन करना है। वहाँ पर एक नोटिफिकेशन का बोर्ड आएगा अलाउ करने के लिए, अगर आप उसे अलाउ कर देंगे तो आप इन दोनों ही टास्क में हिस्सा ले लेंगे। जो भी लकी विनर होगा उन्हें एक हाईटेक और ब्यूटीफुल बहुत सारे फीचर वाला एक स्मार्टफोन मिलेगा। आपको बता दें इस कॉन्टेस्ट इस गिव अवे का रिजल्ट 15 अगस्त 2019 को आएगा, तो फटाफट से ले लीजिए भाग इस कॉन्टेस्ट। दोस्तों बात करेंगे आज की अगले खबर की, तो भारतीय वायुसेना ने लॉन्च किया वीडियो गेम, आप भी कर सकते हैं डाउनलोड। जी हाँ, भारतीय वायुसेना ने यानी कि हमारे भारत की वायुसेना ने आखिरकार अपना वीडियो गेम लॉन्च कर दिया है। इस गेम का नाम है इंडियन एयर फोर्स, आप इसे गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और एप्पल स्टोर से भी। आपको बता दें इस गेम का मकसद है युवाओं को भारतीय वायुसेना के बारे में जानकारी देना और नौजवान लोगों को एयर फोर्स में ज्वाइन होने के लिए प्रोत्साहित करना। और दोस्तों अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सर्वे, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे आपका माइंड भी तेज होगा। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अभी सबसे अच्छी इंटरनेट की स्पीड कौन सी टेलीकॉम कंपनी दे रही है, तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि अभी सबसे अच्छी इंटरनेट की स्पीड एयरटेल की है या आइडिया की है या वोडाफोन की है या फिर जियो की है, तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों बात करेंगे आज की अगले खबर की, तो 100 रुपए सस्ता हुआ सोना लेकिन चांदी की कीमतों में आया है उछाल, आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज बुधवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 100 रुपए सस्ता हुआ है। इस सस्ताई के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 35,780 रुपए है। वहीं बात करेंगे अगर चांदी की, तो चांदी के दामों में 70 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। चांदी 70 रुपए महंगा होने के बाद अभी 1 किलो चांदी दिल्ली के सर्राफा बाजार में आपको 42,120 रुपए का मिलेगा। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो CBSE की बड़ी रिपोर्ट, 9वीं और 11वीं में अब यूं ही नहीं बदल पाएंगे स्कूल, दाखिले के लिए है नया निर्देश। जी हाँ, CBSE ने यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अब जो भी छात्र या छात्राएं होंगी वो 9वीं में या 11वीं में अपना स्कूल अब पहले की तरह आसानी से नहीं बदलवा पाएंगी। अब जिनको भी अपना स्कूल बदलना है 9वीं में या 11वीं में, तो उनको अभी के मुकाबले में ज्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह देने पड़ेंगे, तभी जाके आप 8वीं से 9वीं में अपना स्कूल बदल पाएंगे या 10वीं के बाद 11वीं में अपना स्कूल बदल पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप CBSE के वेबसाइट पे जा सकते हैं। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो आज 1 अगस्त 2019 को ये रहेगा मौसम का ताजा हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है यहाँ के लिए पूर्व अनुमान और हाई अलर्ट। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली, दक्षिणी गुजरात, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ और झारखंड के भागों में मध्यम से और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है और झारखंड के भागों में मध्यम बारिश हो सकती है और साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं देश के अन्य इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि रॉयल सीमा तमिलनाडु और पश्चिमी राजस्थान में मौसम सूखा बना रहेगा। इसके अलावा कोंकण और गोवा में और उत्तरी तटीय कर्नाटक में राजस्थान के उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी भागों में और इससे सटे पंजाब में और हरियाणा में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है आज। और दोस्तों बात करेंगे आज की अगली खबर की, तो देखें वीडियो, अचानक गांव में बाघ घुसने से फैली दहशत। जी हां, गुढ़े इलाके के गढ़वा गांव में एक जंगली बाघ घुस गया और इसके बाद पूरे गांव में दहशत सी मच गई। आपको बता दें जिस समय ये बाघ गांव में घुसा और लोगों में कैसी दहशत थी, उस समय का एक लाइव वीडियो है जिसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप जाकर खुद भी देख सकते हैं कि बाघ कैसे तांडव मचा रहा है। और दोस्तों बात करेंगे आज की अगले खबर की, तो व्हाट्सएप गूगल पर भी टैक्स लगाने की तैयारी, सरकार ने रखा है ये पैमाना। जी हाँ, सरकार गूगल पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर और व्हाट्सएप जैसी कंपनियों पर जल्दी टैक्स लगा सकती है। आपको बता दें जो भी कंपनियों की सालाना आमदनी 20 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी या उनके पास 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो उनसे टैक्स वसूला जा सकता है। आपको बता दें अगर सरकार ये नियम लागू कर देती है टैक्स वसूलने वाला, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको गूगल की सर्विस, फेसबुक की सर्विस और व्हाट्सएप ट्विटर की सर्विस में बदलाव देखने को मिले और इससे आप पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि
क्योंकि ये कंपनियां भी टैक्स लगने के बाद अपने आप में काफी कुछ बदलाव कर लेंगी या कुछ ये लोग प्रीमियम भी कर दें, यानी आपको कुछ पे भी करना पड़े। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो इंडिगो ने शुरू की एनिवर्सरी सेल, केवल 999 रुपए में आप कर सकते हैं हवाई यात्रा। जी हां, इंडिगो के भारत में 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसी के मौके पर इंडिगो एनिवर्सरी सेल लेकर आया है। इसमें आप भारत के अंदर अंदर मात्र 999 रुपए में हवाई यात्रा कर सकते हैं, वहीं आप मात्र 3499 रुपए में विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। ये ऑफर 4 अगस्त 2019 तक चलेगा। आप अधिक जानकारी के लिए और इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए इंडिगो की वेबसाइट पर जाएं। और दोस्तों बात करेंगे आज की अगले खबर की, तो पेट्रोल और डीजल की जगह इस शहर में सीएनजी से चलेंगे वाहन, सरकार ने किए हैं खास इंतजाम। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल और डीजल की जगह सीएनजी से निजी और सार्वजनिक वाहन चलाने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें अभी पटना में करीबन 1200 ऑटो सीएनजी से चल रहे हैं, लेकिन जल्दी जिन लोगों के पास कार वगैरह है और यहां पर जो बस वगैरह है वो भी सीएनजी से चल सकती हैं। जैसे ही सीएनजी से ये गाड़ियां चलेंगी तो सफर आसान भी हो जाएगा और सस्ता भी हो जाएगा, यानी कि बस का किराया वगैरह, टैक्सी का किराया वगैरह सस्ता भी हो जाएगा बिहार की राजधानी पटना में। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो जोमेटो ने दिया कस्टमर को जवाब, कहा खाने का कोई धर्म नहीं होता। जी हां, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने बुधवार को एक कस्टमर की शिकायत के जवाब में जो ट्वीट किया उसकी इंटरनेट पर जमकर तारीफ हुई है, यानी कि जोमेटो कंपनी की लोगों ने काफी ज्यादा तारीफ की है। एक कस्टमर ने एक खाना ऑर्डर किया था और वो धर्म के हिसाब से हिंदू था, लेकिन जो डिलीवरी बॉय उसका खाना लेकर आ रहा था वो मुसलमान था। इसकी वजह से कस्टमर ने जो अपना ऑर्डर है वो कैंसिल कर लिया। अब इसी के जवाब में जोमेटो ने खुद ट्वीट करके कस्टमर को बताया कि खाने का कोई धर्म नहीं होता, खाना खुद अकेले में एक धर्म है। इसके बाद जोमेटो की काफी तारीफ हो रही है सोशल मीडिया पर। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो भाजपा देश की सबसे अमीर पार्टी, कांग्रेस की संपत्ति में दर्ज हुई गिरावट, एडीआर की रिपोर्ट। जी हां, राजनीतिक पार्टियों को लेकर ये एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा भारत देश की सबसे अमीर पार्टी बन गई है और जो कांग्रेस की दौलत है यानी कि उसकी संपत्ति है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो दिल्ली लखनऊ रूट पर दौड़ सकती है पहली प्राइवेट ट्रेन, रेलवे मंत्रालय ने खींचा है खाका। जी हां, रेलवे मंत्रालय देश की पहली प्राइवेट प्लेनर ट्रेन को सफल बनाने के मकसद से इस पर गहन मंथन कर रहा है। जल्दी दिल्ली से लखनऊ के लिए प्राइवेट ट्रेन चलाई जा सकती है। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो कोर्ट का फरमान, ऐप बेस्ड टैक्सी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए सरकार। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार को यानी कि मोदी सरकार से ओला और उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी सर्विस को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाने को कहा है। यानी अब जो भी महिलाएं ओला में, उबर में या इसी तरह की किसी भी सर्विस का यूज करके सफर करेंगी तो आने वाले दिनों में उन्हें अच्छी सर्विस मिलेगी और बेहतर सुरक्षा प्रदान की जाएगी सीधे सरकार की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है मोदी सरकार के लिए। तो दोस्तों आज 1 अगस्त 2019 की ये ताजा खबरें थी, महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी अब रोजाना की ताजा खबरों के लिए, पीएम मोदी की नई नई योजनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।